स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीआईएम 2023 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एनडीआईएम का फुल फॉर्म देख लेते हैं, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब ये एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब गाइस, अगर आप लोगों को यहाँ पे बीबीए, पीजी, डिप्लोमा जैसे कई सारे वेरियस फील्ड में न्यूमरस कोर्सेस में एडमिशन चाहिए यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आप लोगों को इसका एग्जाम क्लियर करके क्रैक करना कंपलसरी मैंडेटरी है। तो चलिए अब इसके बारे में और डिटेल में जानना शुरू करते हैं। लाइक गाइस, अगर बात की जाए इसकी डेट्स की, तो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी ने यहाँ पे आप लोगों की डेट्स अनाउंस नहीं की है। जैसे ऑफिशियल आप लोगों की डेट्स अनाउंस करिए, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में गाइस आप लोगों को हर एक इवेंट की डेट्स जो है लाइव एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट मूव ऑन टू एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जब कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स अगर आप एंटर करते हैं, तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, मे बी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। क्योंकि गाइस क्या होता है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन को फिल करना है, क्या प्रोसेस है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिस्क्राइब साइज और फॉर्मेट अपलोड करना है, जस्ट किसी भी तरह से एप्लीकेशन फिल करते हैं, सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा करना है, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को हम रिलीज होगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप वन यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन, एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को डायरेक्टली पे करके बताया जाएगा। सो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1000 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी है। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, क्योंकि अगर इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए आपके इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना कंपलसरी मैंडेटरी है। सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप लोग जो है मैट क्लियर किए रहने चाहिए, या तो फिर कैट क्लियर किया हुआ रहना चाहिए, या तो फिर कैट, जेट, एटीएमए, जीमैट या फिर सीमैट, इसमें से कोई भी एंट्री एग्जाम आपके क्लियर किया होना चाहिए, आपके पास इसका सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। विद मिनिमम यहाँ पे 50% मार्क्स, रिजर्व कास्ट के लिए 45% मार्क्स। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे अभी तक जो है स्पेसिफिक एग्जाम पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों का एडमिशन ले रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ कैट, मैट, जेट, जीमैट, इन एग्जाम्स के बेसिस पे आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। सो गाइस, नाउ आई होप आप लोगों को जो एनडीआईएम 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।